गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी एस एन बॉयज स्कूल। आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक नीलमणि का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बीज और पौधा। यह एक कविता है और इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि इस संसार को हरियाली प्रदान करने वाले पौधे और वृक्ष कैसे पनपते हैं, अर्थात कैसे उगते हैं। इस कविता में इस बात पर प्रकाश डाला गया है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, क्या भैया आपकी नानी ने आपको कहानी सुनाई है? अवश्य सुनाई होगी। तो इस कविता में भी एक नानी एक बच्चे को कहानी सुना रही है, तो इस कविता के माध्यम से हम उस कहानी को शुरू करते हैं। पास बिठाकर बोली नानी, आओ बेटा सुनो कहानी। नानी एक बच्चे को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। बिना जुता एक खेत पड़ा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। कि एक खेत था, वह कैसा था? बिना जुता हुआ था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। वह खेत बहुत बड़ा था और ऊबड़ खाबड़ था। ऊबड़ खाबड़ मतलब समतल नहीं था, एक जैसा नहीं था, कहीं से ऊंचा था कहीं से नीचा था। कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर। आगे नानी बोलती है कि एक चिड़िया अपने चोंच में एक बीज को लेकर, यानी कि एक दाना लेकर वहाँ से निकल रही होती है, वहाँ से उड़कर जा रही होती है और उस दाने को वह उस खेत में डाल देती है। हवा उड़ाती, धूप जलाती, रह रह मिट्टी उसे दबाती। आगे नानी बताती है कि जब वह बीज उस खेत में गिर जाता है तो वह हवा से, जो तेज़ हवा आती है उससे उड़कर आगे चला जाता है। धूप उसको जला रही है और हवा से उड़कर जो मिट्टी आती है उससे वो बीज क्या हो रहा है, दब रहा है। आगे नानी बताती है कि बीज ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। मिट्टी की परतों में दबकर, धूप ताप वर्षा को सहकर। कि हवा से उड़ के जो मिट्टी आई उससे क्या, उस बीज के ऊपर कई परतें बन गई और परतें बनने से वह बीज उस मिट्टी में दब जाता है। वह धूप ताप वर्षा को सहकर, और उस बीज ने इनको किस किस चीज़ों को सहा, धूप को भी सहा, वर्षा को भी सहन किया, तेज गर्मी को भी बर्दाश्त किया उसने। आगे बीज बोलता है, हाय अकेला नहीं डरूंगा भले अकेला। बीज कहता है कि चाहे मैं कितना ही अकेला हूँ लेकिन मैं इन कठिनाइयों का सामना अवश्य करूँगा, मैं इनसे नहीं डरूंगा। कुछ दिन बीते, अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस बीज में से अंकुर फूटता है और कुछ दिनों के बाद कोमल कोमल पत्ते भी उसमें से निकलने लगते हैं और अब वह बीज क्या बन गया, एक पौधा बन गया है, हरा भरा एक पौधा बन गया है और हवा से वह लहरा रहा है। बड़ा हुआ तो पेड़ कहाया, जब वह पौधा पेड़ बन गया। जब एक पौधा होता है, हमने घरों में देखा होगा कि एक पहले बीज बोते हैं, फिर बीज से पौधा बनता है और पौधे से क्या होता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। दूर दूर तक फैली छाया, और दूर दूर तक उस वृक्ष की जो छाया है वो फैल चुकी है। पक्षी आते नीड़ बनाते, उस घने हरे भरे पेड़ को देखकर पक्षी उस पर रहने के लिए अपने नीड़ यानी कि घोंसला, घोंसला यानी कि उनका घर उस पर बना लेते हैं। पंथी छाया में सुख पाते, पंथी यानी कि राहगीर मतलब उस रास्ते से गुजरने वाले यात्री। जब कोई यात्री वहाँ से गुजरता है तो पेड़ की ठंडी छाया को देखकर उस पेड़ के नीचे आराम करने की रुक जाते हैं। सबको सुख बांटा करता है और यही सोचा करता है, जो पेड़ है यही सोचता है कि मैं सबको किस प्रकार सुख बांटूं। बस जितने भी बड़े बने हैं कष्टों को सह बड़े बने हैं, कि जितने भी लोग हैं आज वो जिस मुकाम पर हैं वो किस प्रकार पहुंचे हैं, अर्थात उनको अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राणियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज का अपना पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।